Welcome back to BIMT YouTube channel. In today's lecture of data structure, we are going to continue with the previous topic, which was conversion of infix to postfix. Okay. So let's start with the algorithm today. Infix to postfix conversion using STAR with C program. This is the topic of today's lecture. Infix to postfix conversion using stack. हम जो infix to postfix अपने करते आ रहे हैं वो stacks की help से ही हो रहा है, ठीक है? Infix to postfix conversion using stack. This is the topic of our today's lecture, right? One of the applications of STAR is in the conversion of arithmetic expression in high level programming languages into machine readable form. अब तक मैं आपको बता के आ रही हूँ, एक बार आज मैं फिर बताऊंगी कि कंप्यूटर जो वैल्यूज रीड करता है वो होती है इनफिक्स, नहीं होती वो, क्योंकि इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं या तो पोस्टफिक्स में या प्रीफिक्स में. ओके, सो जो वैल्यूज हम मतलब हमारा सिस्टम होता है, कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर इनफिक्स नहीं समझता, कंप्यूटर के लिए इनफिक्स रीडेबल नहीं है. दिस इज व्हाई वी कन्वर्ट इनफिक्स इनटू पोस्टफिक्स व्हिच इज मशीन रीडेबल और कंप्यूटर रीडेबल. तो ये भी स्टैक की एक एप्लीकेशन है कि वो हेल्प करता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मशीन रीडेबल फॉर्म में. एज अ कंप्यूटर सिस्टम कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क ऑन अ बाइनरी लैंग्वेज, इट अज्यूम्स दैट एन अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन टेक प्लेस इन टू ऑपरेंड्स ओनली. क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इसीलिए वो अज्यूम करेगा कि अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लेस होते हैं सिर्फ ऑपरेंड्स में, यानी कि ए बी में या सी डी में, मतलब अल्फाबेट्स में ऑपरेंड्स होते हैं. बट इन अवर यूजुअल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन ऑपरेटर एंड टू ऑपरेंड्स, ठीक है? ऐसा नहीं है, कंप्यूटर अज्यूम करता है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन दो चीजों में होते हैं, दो ऑपरेंड्स में, या तो ए बी हो गया या सी डी हो गया या ए बी. पर ऐसा नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल. सपोज यहाँ इक्वेशन है ए प्लस बी एस्ट्रिक स्टार सी एंड ब्रैकेट बी स्लैश जे प्लस ए, ठीक है? यहाँ पर कितने ऑपरेंड्स हैं, चार, ए बी सी डी जे, चार से ज्यादा है, पांच है, ठीक है? दीज कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इन टू पॉलिश नोटेशन यूजिंग स्टैक्स विच देन कैन बी एग्जीक्यूटेड इन टू ऑपरेंड्स एंड एन ऑपरेटर फॉर्म. ये जो कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक ऑपरेशन है हमारे कॉम्प्लेक्स लिए लेकिन ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए कन्वर्ट कर देते हैं मशीन रीडेबल फॉर्म में, जिससे इन्हें हम एग्जीक्यूट कर सके दो ऑपरेंड्स के बीच में और एक ऑपरेटर के फॉर्म में. इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है आपको बता चुकी हूँ. इनफिक्स एक्सप्रेशन का ये सिंटैक्स पे स्कीम होती है, इट फॉलोज द स्कीम ऑफ ऑपरेंड ऑपरेटर ऑपरेंड, राइट? तो आप सबको पता है हर बार हर लेक्चर में एक पुराना आपको रिवाइज करा देती हूँ, ताकि आपका पीछे वाला क्वेश्चन जो है अगर नहीं देखिए वीडियो ये नहीं समझना है तो वो हैंड टू हैंड आपके आर्ग्यूमेंट्स के लिए तैयार है, समझ में आ गया. ओके, तो जो इंडेक्स ऑपरेशन होता है वो इस तरह की स्कीम फॉलो करता है. किस तरह की? ऑपरेंड ऑपरेटर एंड ऑपरेंड.
ऑपरेंड ऑपरेटर। सपोज अगर यहां पर ए प्लस बी है तो पोस्टफिक्स में हो जाएगा ए बी प्लस। प्रीफिक्स में क्या होता है? तो एक प्रीफिक्स में आप बताइए क्या हो सकता है प्रीफिक्स में? प्रीफिक्स में होता है ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड। यही प्रीफिक्स में क्या होगा? ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड ए एंड ऑपरेंड बी। ओके अंडरस्टूड। मैंने आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्जन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कन्वर्जन करा दिया था, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स करा दी, एक एक क्वेश्चन कराए थे, अभी आगे वही कंटिन्यू रखेंगे। जो चीज मैंने आपको नहीं कराई था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जो आपको करनी है सिलेबस में, वो थी एल्गोरिथम फॉर कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, जो अभी मैं आपको लिखवा रही हूँ। नोट्स आपको मिलेंगे, फिर भी मैं आपको जैसे जैसे एक्सप्लेन करूंगी आप उसे हैंड टू हैंड कॉपी हमेशा साथ में रखेंगे, आप पेन रखेंगे और हैंड टू हैंड नोट डाउन करते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एल्गोरिथम टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। लेट एक्स इज एन आर्थमेटिक एक्सप्रेशन रिटन इन इनफिक्स नोटेशन। एल्गोरिथम ये स्टार्ट हुई है, इसका नाम है एल्गोरिथम टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेंड क्या होता है? एबी।
ऑपरेटर मिलना है, ऑपरेटर इज इनकाउंटर। इफ अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर पुश इट ऑन टू स्टार्ट। सबसे पहले अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस हमें मिला तो हमने इसे कहां पुश किया, स्टार्ट पे। ओके, अगर ऑपरेंड इनकाउंटर हुआ, हमें ऑपरेंड मिला तो हमने इसे कहां डाला, पोस्टफिक्स पे। फिर रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड ऑफ इट, एंड ऑफ लेफ्ट एंड। इसके बाद में ये अगर कोई हमें ऑपरेटर मिलता था, सपोज सेकंड स्टेप में मुझे प्लस मिला, थर्ड स्टेप में तो मैंने यहां ऐड किया था, फोर्थ स्टेप में मैंने मुझे क्या मिला, बी मिला तो मैंने ए बी को ऐड किया था, फिफ्थ स्टेप में मुझे राइट पैरेंथेसिस मिला तो मैंने यहां पर स्टैगर लगा दिया था। जब ये पूरा ब्रैकेट बंद हो गया, लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस के बीच में भी ऑपरेटर है, तो उस केस में हम क्या करते थे, बीच वाले ऑपरेटर को पुश कर देते थे पोस्टफिक्स वाली कॉलम में। ठीक है, तो ये विच गिव्स अस द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज ए बी प्लस वाई। डन, अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट विद अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट। We have to convert from infix to postfix. एक equation हमें given है, ये हमारी equation है, infix expression है, p मैंने infix expression का नाम मारा है, ये given है हमें a plus b asterisk c minus d slash p एक्सपोनेंट f asterisk g asterisk h। मैंने दो तीन प्रॉपर्टीज और बताई थी, इफ यू रिमेम्बर करेक्टली मैंने क्या बताया, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, कौन से एक्सप्रेशन की होती है हाईएस्ट प्रायोरिटी, कौन से ऑपरेटर की होती है, एक्सपोनेंट की सेकंड हाईएस्ट होती है, मल्टीप्लीकेशन डिविजन की, ठीक है, थर्ड लोएस्ट प्रायोरिटी होती है प्लस माइनस की। एक चीज और मैंने क्या बताया कि आपको एक्सप्लेन की थी कि नो टू ऑपरेटर्स विद सेम प्रायोरिटी कैन स्टे ऑन टू द सेम स्टार। अगर ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन रेसिडेंट डिवीजन आते हैं तो हम ऑफ कर देते हैं जो पहले से वहां पर था, जो नई न्यू ऑपरेटर है वो उसे स्टार्ट में रखते हैं और बाकी को पुश कर देते हैं, मतलब ऑफ कर देते हैं स्टार्ट से। एक और मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताई थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी कि सपोज ऑलरेडी यहां पर प्लस प्रेजेंट है, राइट, अगर ये आप मैंने डिवीजन ऑपरेटर लगा दिया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम प्लस को बाहर भेज देंगे, सिर्फ डिवीजन रह जाएगा। वाई, कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर है ना वो हाईएस्ट प्रायोरिटी के आगे नहीं लगता, पीछे हो सकता है। ओके, चलो अभी क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएंगी चीजें। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू ब्रश अप योर ओल्ड कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। क्या होगा, पहले सबसे पहले हम तीन कॉलम्स बनाएंगे, इसमें सीधे आपको आंसर दे रखा है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके मैं स्क्रीन पर बताऊंगी। यहां पर स्टेप नंबर, यहां पर स्टेप, यहां पोस्टफिक्स। सबसे पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाया, राइट पैरेंथेसिस, पहले स्टेप में कब आएगा वो स्टार्ट पे, यहां पे कुछ नहीं है। सेकंड स्टेप में ऑपरेंड ले आया, ये आएगा पोस्टफिक्स में, ये इसके आसपास रहेगा। फिर थर्ड स्टेप में प्लस आया, ये आएगा इसके अंदर, ये आसपास रहेगा। फोर्थ स्टेप में एक और लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गया, ये आएगा, ये ए एज इट इज रहेगा, ये स्टार्ट में आ गया। फिफ्थ स्टेप में बी आया है, तो बी आएगा ऑब्वियसली पोस्टफिक्स वाली साइड पे। सो दिस बिकम्स नाउ ए बी। ओके, नेक्स्ट स्टेप, सिक्स्थ स्टेप में एस्टरिस्क आया, तो ये आएगा पैरेंथेसिस के अंदर, ए बी एज इट इज रहेगा। अब से इसी तरह तीन कॉलम्स यहां बना लेते हैं, ठीक। सेवेंथ स्टेप में
माइनस। तो इस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बता दी कि अगर हाईर प्रायोरिटी ऑपरेटर है उसके बाद में लोअर प्रायोरिटी नहीं आ सकता, ठीक है, उसके पहले आ सकता है। तो यहाँ पर इस मल्टीप्लाई वाले साइन की हाईर प्रायोरिटी है माइनस से। उस केस में मैं क्या करूंगी, ए बी सी को थ्रू लिख के ये पुश पॉप कर दूंगी मैं यहां से, इसको लिखा जाता है, राइट। नेक्स्ट केस में क्या है, पैरेंथेसिस प्लस माइनस एक और एंड पैरेंथेसिस। टेंथ स्टेप में आया बी, तो इसको ऐसे लिखे रहने देंगे, यहां लिख देंगे बी। उसके बाद आया डिवीजन ऑपरेटर विद साइन, मतलब फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। तो इसको हमने एंटर कराया इस ब्रैकेट में। उसके बाद में आया आपका नेक्स्ट ऑपरेटर ई, तो ये ऑब्वियसली नो कि ई किधर जाएगा, पोस्टफिक्स वाली साइड में। फिर 12th स्टेप में आया आपका एक्सपोनेंट, ठीक। तो एक्सपोनेंट यहां पर स्टे कर सकता है, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी क्या होती है, हायर होती है डिविजन से। तो यहां पर ये रुक सकता है, इसको हम एज इट इज लिखे रह देंगे तब तक जब तक ये सारे पैरेंथेसिस क्लोज नहीं होते। फिर आया आपका एफ, 13th स्टेप में एफ आया, एफ की वजह जाएगा पोस्टफिक्स में, विच इज एबीसी एसिड बीईएफ। फिर आपका पैरेंथेसिस लगा है, पैरेंथेसिस पहला, तो यहां पर हो गए प्लस माइनस डिविजन पैरेंथेसिस, ये इसको हमने एज इट इज लिख दिया बीईएफ। अब क्योंकि ब्रैकेट यहां पर क्लोज हो गया, तो यहां से ये दो ऑपरेटर्स पॉप हो जाएंगे, पोस्टफिक्स हो जाएंगे। अभी पोस्टफिक्स की नई वैल्यू हो गई ए बी सी एस्ट्रिस डी ई एफ एक्सपोनेंट और डिविजन, ठीक। यहां पर क्या बचा, प्लस माइनस। इसके बाद में क्या है, जी, तो ये जी किधर जाएगा, ए पोस्टफिक्स में ए बी सी एस्ट्रिस डी ई एफ जी, राइट। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जी के बाद आया राइट पैरेंथेसिस, ये वाला पैरेंथेसिस का अगर ये लगेगा प्लस माइनस, इसको एज इट इज लिखेंगे ए बी सी एस्ट्रिस बीईएफ एक्सपोनेंट जी। अब क्या हो गया, फिर से पैरेंथेसिस क्लोज हो जाता है, यहां पर क्या करेंगे हम, ये जो माइनस वाला ऑपरेटर है इसे पॉप कर देंगे पॉप, मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर दिख रहा है आपको, प्लस के आगे मल्टीप्लाई, ठीक। अच्छा, अब मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर आ गया, यहां पर ये भी स्टे कर सकता है, ए बी सी एस्ट्रिस डी ई एफ एक्सपोनेंट जी माइनस, ओके। अब यहां पर ब्रैकेट क्लोज, सो अब क्या होगा, यहां पे प्लस, ये कौन सा ऑपरेटर पॉप होगा, ये दोनों ऑपरेटर भाजक रहेंगे, ठीक। तो अब मैं लिखने ऐसे लिख दू ए बी सी एस्ट्रिस डीई एफ एक्सपोनेंट जी माइनस प्लस एस्ट्रिस, सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी वाइज लिखी, मतलब मैं लिखूंगी एस्ट्रिस क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, फिर माइनस फिर प्लस, ठीक।
प्लस एच, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आपका पोस्टपेड स्टार्टअप खाली हो चुका है, आपका इनफिक्स टू पोस्टपेड कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है। ओके सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, आगे का आपको पार्ट है वो खुद रिवाइज करना है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक